हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ मैंने ड्रेस चना की कटिंग भी तैयार करी है और ये मेरा क्रिसमस ट्री का जो पॉट है ख़राब हो गया है, तो मैं ड्रेसिना वाले पॉट में ही इसको क्रिसमस ट्री को लगा दूंगी। और मेरा क्रिसमस ट्री को ना रिपोर्ट करने का रीज़न ये भी था कि पिछले साल से ना इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो ग्रोथ ना होने का रीज़न ये भी है कि एक तो मैंने इसको खुद से रिपोर्ट नहीं किया था, मालिकाका से ही इसको इस वाले पॉट में लगवा दिया था। तो अब जो मैंने मिट्टी हटाई है तो मुझे पता चला कि उन्होंने ना नर्सरी वाली मिट्टी को ना हटाते हुए ऐसे ही प्लांट को लगा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो जो नर्सरी वाली मिट्टी की जो बॉल है ना वो वैसे की वैसी है और जो रूट्स भी हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, ज़्यादा गया वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। तो जो नर्सरी वाली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, हार्ड मिट्टी होती है, तो उसमें ना रूट्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो अपनी प्लांट्स की ना ग्रोथ, जब रूट्स डेवलप नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी। हमें यहाँ मेरा ड्रेसिना का जो प्लांट था जिसको मैंने खुद से रिपोर्ट किया था, उसके रूट्स आप देख सकते हैं पूरे पॉट में फैल चुके हैं। और मतलब इससे पता चलता है कि मतलब हमें जो नर्सरी वाली मिट्टी है उसको हटा के अपने प्लांट्स को लगाना चाहिए। और यहाँ मैं आपको ना वो क्रिसमस ट्री के भी रूट्स दिखा रही हूँ, देखिए वो जैसे कि तैसे ही हैं। तो जब रूट्स नहीं बढ़ेंगे तो प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होगी। और अब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है कि आप जब भी अपने प्लांट नर्सरी से लाएं, नर्सरी वाली या तो रेड सॉइल है या हार्ड सॉइल है, उसको प्लीज़ हट